रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टीम ने क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया और टूर्नामेंट में लगातार जीत भी दर्ज की, लेकिन अंतिम मुकाबले में उन्हें ट्रॉफी उठाने का मौका नहीं मिला। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम ने भारत को 6 विकेट से हराकर रिकॉर्ड 6वीं बार विश्व कप का खिताब जीत लिया। फाइनल में मिली हार के बाद खिलाड़ियों के दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। वहीं खिलाड़ियों के साथ साथ इस हार का सदमा क्रिकेट फैंस को भी लगा है। मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा को भावुक होते हुए भी देखा गया। ऐसे में उनकी बेटी समायरा ने अपने पापा की मौजूदा स्थिति के बारे में बताकर फैंस को बड़ी राहत दी है। दरअसल समायरा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो रोहित शर्मा के दुख के बारे में बताते हुए दिखाई दे रही हैं। यह वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वायरल वीडियो में समायरा अपनी मां रितिका के साथ एक बिल्डिंग के बाहर निकलती नजर आ रही हैं। पास खड़े मीडिया कर्मियों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान छोटी बच्ची से कुछ सवाल पूछे गए जिसका जवाब सुनकर हर किसी का दिल टूट गया। जब एक रिपोर्टर ने उनके पिता के बारे में पूछा तो समायरा रुक गई और मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ मीडिया का सामना किया। वीडियो में समायरा कहते हुए दिखाई दे रही हैं कि वो एक कमरे में है, वो लगभग सकारात्मक है और 1 महीने के भीतर वो फिर से हंसेंगे। समायरा का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि यह वीडियो कब का है। फिलहाल सोशल मीडिया पर इसे खूब प्यार मिल रहा है। विश्व कप 2023 में रोहित शर्मा की बल्लेबाजी और कप्तानी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार के बावजूद हर कोई रोहित शर्मा की बेखौफ बल्लेबाजी और उनकी शानदार कप्तानी की तारीफ करता नजर आ रहा है। हालांकि इसके बावजूद वह कोहली के बाद भारत की ओर से दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें साउथ ब्लॉक डिजिटल। नमस्कार।